Morning, student. Yesterday we have completed our chapter 3 and now we are starting chapter 4, the market as a social institution. Ki market ko ek social institution kaise mana gaya hai. Before starting this chapter, we should know what is market and what is the meaning of the market. Let's start now. Market. Market is a place of interaction between the buyer and sellers, producer and consumers in respect to goods and service. की market, market एक ऐसा place है जहाँ पर interaction होता है किसके बीच, buyers, buyers यानी जो खरीद रहे हैं और sellers यानी जो बेच रहे हैं, producers जो उत्पादन कर रहे हैं और consumers जो उपभोक्ता है उस चीज़ को ले रहे हैं. In respect of goods and service यानी सामान वस्तुओं के बीच में जो भी वो वस्तु हैं, जो गुड्स और सर्विस है उसको एक दूसरे के हाथ बाय सेल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको कंज्यूमर कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो एक इंट्रैक्शन होता है वो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं. नेक्स्ट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट. अब मार्केट के बाद मीनिंग के बाद हमें ये पता हो जाए कि मार्केट का जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, उसके एस्पेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज़ द सोशल मार्केट, सेकेंड इज़ द इकोनॉमिक aspect and third is the cultural aspect. First is social aspect of the market. Social aspect क्या होता है कि interchange and interaction among people, कि जब हम society में रहते हैं तो हमारा क्या होता है, एक दूसरे से interchange करते हैं अपनी किसी भी goods को, किसी भी service को, किसी भी thing को, and interaction होता है हमारा किसके बीच में, among people के बीच में. इट इज़ अ प्लेस वेयर देयर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप. मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक सोशल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे को देते हो और उनसे लेते हो, और जहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप है या संबंध है वो भी बिल्डअप होते हैं. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट. आप अपनी सर्विस को, अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका कंजप्शन कर रहे हो, और साथ में क्या कर रहे हो, आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी उसके ऊपर अपना खर्च कर रहे हो, कि जो भी आपका सोशल एस्पेक्ट में उसमें आपकी गुड्स और सर्विस की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंज्यूमर के साथ साथ में आपको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है. एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ एडम स्मिथ एंड मोस्ट फेमस. उन्होंने टू कॉन्सेप्ट दिए थे, सेल्फ इंटरेस्ट और इनविजिबल हैंड. वट इज सेल्फ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ? उन्होंने कहा है एवरी इंडिविजुअल वर्क्स फॉर इज ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, कि हर व्यक्ति, चाहे वो हम हैं, आप हो, कोई भी हो, अदर कोई भी, हम वर्क करते हैं अपने इंटरेस्ट से करते हैं, कि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है, जिस वर्क को लेके हम इंटरेस्टेड होते हैं उसी में हम उसका सक्सेस प्राप्त करते हैं. व्हेन एवरी इंडिविजुअल थिंक्स इन हिज दिस वे इट कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट एंड ग्रोन ऑफ द कंट्री. उन्होंने कहा है कि जब एवरी इंडिविजुअल सोचता है इस वे में, इस वे में यानी सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी थिंग में उनको इंटरेस्ट होता है, जब वो उसे विद इंटरेस्ट के हाथ करते हैं तो इसका जो कंट्रीब्यूशन किस में होगा, उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि विद इंटरेस्ट वो उसको करेगा. एंड किसकी ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हमारे मार्केट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. और जब हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा तो उसके साथ साथ ही हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होती रहेगी. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड किसका कंसेप्ट है, एडम स्मिथ का. एडम स्मिथ ने दो कंसेप्ट दिए हैं जैसे मैंने अभी बताया, सेल्फ इंटरेस्ट एंड इनविजिबल हैंड. What is invisible hand? Invisible, the government hand is less, we have more hand, यानी roll over the economy. Government के हाथ जो हैं बहुत कम हैं, हमारे हाथ बहुत ज़्यादा हैं,
बहुत ज़्यादा का मतलब है यहाँ पे हमारे हाथों से नहीं, बहुत ज़्यादा कि हमारे जो एक्ट हैं यानी कुछ जो गवर्नमेंट के जो कार्य हैं जो हमें दिखाई देते हैं वो बहुत कम है, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनविजिबली यानी अदृश्य होकर सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनविजिबल हैंड। द इंडिविजुअल डिसाइड द सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमी, इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं उन्हें क्या सप्लाई करनी है और उन्हें कौन सी इकोनॉमी की डिमांड है। नेक्स्ट टर्म इज़ द लेजिस्फेयर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर लीव अस अलोन, लेजिस्फेयर का मतलब होता है लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। लेट इट बी इंटरफेयर इन द प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर, सॉरी लेट इट बी द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इंटरफेयर इन द प्राइवेट सेक्टर, कि जो लेजिस्फेयर में कहते हैं वो गवर्नमेंट से कि आप हमें अकेला छोड़ दो, जो भी वर्क है हम अपने आप कर लेंगे और आप गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये दो टर्म्स थी जो किसने दी हैं, एडम स्मिथ में। एंड नेक्स्ट आस्पेक्ट है हमारा कल्चरल आस्पेक्ट। कल्चरल आस्पेक्ट क्या होता है हमारा, जिसमें हमारी सोशल एंड कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटी टेक प्लेस इन द मार्केट, कि हमारे कल्चर अकेला नहीं बनता, उसके साथ साथ हमारी क्या बनती है, सोसाइटी से हमारा कल्चर बनता है, कि उसमें जब सोशल एक्टिविटी किसी भी प्लेस में ज़्यादा होती हैं एंड इट इज़ कंट्रोल बाय द सोशल ग्रुप कास्ट एंड क्लास, और जो हमारा कल्चरल आस्पेक्ट होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, हमारी सोसाइटी की ग्रुप वहाँ की कास्ट और वहाँ की क्लास के थ्रू वो कंट्रोल होता है। सो नाउ वी हैव have discussed the three aspect of the market. First is the social aspect, second is the economic aspect, and third is the cultural aspect. Next term is the types of market. There are two types of market, weekly market and traditional market. Traditional market, traditional word, what is traditional? Traditional यानी जो बहुत पुराना है. Traditional market normally refers to offline market channels एज ओपोज द ऑनलाइन मार्केट चैनल इन डिजिटल मार्केटिंग। जो हमारी परंपरागत मार्केट है वो क्या करती है, ऑफलाइन है, ऑफलाइन यानी वो नेटवर्किंग सिस्टम के थ्रू नहीं चलती है, वो किसके थ्रू चलती है, हमारे हैंड रिटन वर्क के बेस पर, और किसको अपोज है, किसके विरुद्ध है, वो हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल के विरुद्ध है। सो द ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन द टर्म फॉर एवरी प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन चैनल यूज टू रीच कस्टमर विदाउट यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इस प्रकार जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो अपने हर प्रमोशन भी करती है और कम्युनिकेशन चैनल भी करती है, किसके, अपने कस्टमर से, बट विदाउट यूजिंग ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, की जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो परंपरागत मार्केट है, उसमें किसी भी वर्क के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ नहीं होता है, वो विदाउट यूजिंग ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी के भी अपने कस्टमर्स तक पहुँचती है, उनको प्रमोशन करती है, उनको कम्युनिकेट भी करती है। नेक्स्ट इज़ द वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होती है, एज यू नो दैट द वर्ड इज़ वीक, वीक यानी अ वीक, मार्केट इज़ अ मार्केट विच इज़ हेल्ड वंस अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट हम उसको बोलते हैं जो दिन सप्ताह के किसी एक स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक डे में, किसी भी डे में लगती है, एज वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी एनी डे, एक पर्टिकुलर एक स्पेशल डे डिसाइड होता है तो उसी दिन ये मार्केट जो है लगती है, उसे हम वीकली मार्केट कहते हैं। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, वीकली मार्केट की कोई भी परमानेंट शॉप नहीं होती है कि आप इस वीक इस प्लेस पे लगे हुए तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसी पे लगेंगे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती है, ये कभी भी कहीं पर भी कैसे भी लगाए थे, बट इनका डे जो होता है वो स्पेसिफिक डे जो होता है वो डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल धौराई विलेज इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, द ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम फ्रॉम नियर बाई विलेज एंड टाउन टू बाई सेलर फूड, हनी, सॉल्ट, बास्केट, टूल्स एंड ज्वेलरी। उन्होंने क्या किया, एक गांव है धौराई विलेज बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे जो ट्राइबल्स, ट्राइबल्स मैंने बताया आदिवासी और नॉन ट्राइबल्स आते हैं, कहां से, नियर बाय विलेज एंड टाउन, अपने नज़दीक गांव या अपने नज़दीक के शहर में कुछ चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए, जैसे फूड, हनी, सॉल्ट, बास्केट, टूल्स।
Besides buyer and sellers, there are entertainer, performer, magician, game sites. कि सामान खरीदने और बेचने के अलावा यहाँ पे मनोरंजन भी होते हैं, मैजिक्स भी होते हैं. मनी लेंडर्स ऑल्सो केम, पैसे उधार देने वाले भी यहाँ पर आते हैं. दिस काइंड ऑफ मार्केट इज़ टिपिकल ऑफ विलेजेस, सिटीज़ एंड टाउन. इस तरह की जो मार्केट होती है वो गांव शहरों के लिए भी टिपिकल होती हैं. इन ट्राइबल एंड हिली एरियाज़ वीकली मार्केट इज़ अ ह्यूज ओकेजन फॉर देम टू इंट्रैक्ट विद देयर फ्रेंड्स एंड केन सोशल मीटिंग प्लेस. कि ट्राइबल और जो हिली एरियाज़ हैं, आदिवासी हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके लिए जो वीकली मार्केट होती है वो एक ओकेजन, एक अवसर होता है किसके लिए, अपने दोस्तों से, अपने किन सगे संबंधियों से इंट्रैक्ट करने के लिए. यानी उस प्लेस को वो एक एज ए सोशल मीटिंग की तरह ट्रीट करते हैं कि वो प्लेस उनके लिए एक सोशल मीटिंग है. देयर इज़ ए इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंट्रैक्शन. यहाँ पर उनका इकोनॉमिक और साथ में उनका सोशल इंट्रैक्शन भी होता है. दैट्स इट. टुमारो वी विल डिस्कस चेंज इन द ट्राइबल मार्केट, कि वट विल चेंजेस इन द ट्राइबल मार्केट. ओके.